हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुब्रत एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छा होंगे। एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया था, एक ऐसा सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, ताकि हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, उनसे कुछ सीखेंगे और उनसे कुछ जानेंगे हम उनके स्ट्रैटेजी के बारे में और उनके मतलब पढ़ने का तरीका कैसा था। सो फाइनली आज हम हमारे पहला गेस्ट है जो उनसे मिलेंगे आज, जो कि उनका नाम है दीप ज्योति तामोली फ्रॉम आसाम के नगांव डिस्ट्रिक्ट से। चलिए फिर जानते हैं उनको, कॉल लगाते हैं, फिर वीडियो कॉल के थ्रू हम उनसे बात करेंगे, जानते हैं उनका कैसा क्या सफ़र रहा था, ठीक है। सो हाय दीप ज्योति, वेलकम टू द चैनल द बैंकर सुब्रत। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर सिलेक्टेड इन एसबीआई जूनियर 2021। सो थोड़ा आपके बारे में बताइए हमें, हमारे व्यूअर्स को, हमारे एक्सपीरियंस को, आपका मतलब ग्रेजुएशन से लेके एक एक्सपीरियंस और उसके बाद एक जॉब होल्डर, आपका सफ़र कैसा था, थोड़ा बताइए हमें ब्रीफ के तरह। जी, जैसे आपने बताया, मेरा नाम दीप ज्योति तामोली एंड आई एम फ्रॉम आसाम। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की थी 2018 में। okay. और उसके बाद एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। तो लास्ट ईयर अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा, तो तब कुछ जॉब इनसिक्योरिटी सा फील हुआ मुझे, और उस समय काफ़ी लोगों का जॉब जा रहे थे प्राइवेट सेक्टर में। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो उसमें से मुझे बैंकिंग सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको, अगर आप कैपेबल हो तो बहुत जल्दी आपको सिलेक्शन ले सकते हो बैंकिंग में। okay, okay. तो यही मेरा उससे इसके लिए मैंने बैंकिंग चूज़ किया और फिर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। okay. और अगस्त 2020 में मैं अपना जॉब छोड़ के फिर फुल टाइम प्रिपरेशन करने लगा। okay. और उस साल भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन कुछ प्री क्लियर हुए, कुछ भी नहीं। और फिर मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू किया और फाइनली अभी SBI जूनियर एसोसिएट में मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके ओके, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली आपका जो स्टोरी है मुझसे भी काफ़ी जुलता मिलता है, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा था, छोड़ के आके फिर से मैंने तैयारी की, फिर फाइनली मैं भी SBI सिलेक्ट हो गया। अच्छा, सो आपका जो प्रिपरेशन था, मतलब जॉब छोड़ने के बाद आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा था? आप थोड़ा हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो वो भी फेल होते हैं, ठीक है, तो उनका आपका स्ट्रैटेजी कैसा था, ताकि आप उनको एक हेल्प मिल सके आपके स्ट्रैटेजी सुन के, थोड़ा बताएंगे आपके स्ट्रैटेजी के बारे में? हाँ, मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। ओके, तो पहले तो ओवरऑल आपको बेसिक कंप्लीट करना है जी, सब सब्जेक्ट का। ओके, वो आप कभी कोई भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। अगर यूट्यूब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अनअकैडमी ऐसा कुछ, तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। मतलब आप अनअकैडमी यूज करते थे? हाँ, मैं अनअकैडमी यूज़ करता था। आप यूट्यूब भी कर सकते हो, लेकिन वो क्या होता है, यूट्यूब में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाते, तो और टॉपिक वाइज सर्च करने में आपको टाइम भी वेस्ट होगा। हाँ, थोड़ा तो मतलब अगर सारे चीज़ को मतलब ढूंढने से मिलेगा, पर थोड़ा इधर उधर होता है। आपको इधर उधर होता है, वेस्ट हो सकता है। yes, yes. तो आप अगर एफोर्ड कर सकते हो तो अनअकैडमी मुझे तो आप बेस्ट लगा। तो वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। okay. तो पहले अगर जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए, तो आप अभी जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, तब से आप जनरल अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप प्री निकालने के बाद अगर करोगे तो सब भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। yes, और आजकल बहुत डीप में आने लगा है करेंट अफेयर। तो अगर एक लाइन जैसे आप पढ़ोगे तो वो काम नहीं आएगा। तो आप अभी से एग्जाम हो या ना हो, डेली 2 to 3 hours आपको करेंट अफेयर में देना ही देना है। फिर क्वाड में आप बेसिक वो स्पीड मैथ्स है वो तो आप कर ही लोगे। जो एरिथमेटिक सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग स्किप कर देते हैं, कुछ आपको ऐसा नहीं करना है। एरिथमेटिक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो आप फर्स्ट टॉपिक वाइज क्लियर करके, एक बुक आता है आप आदा का एस क्वांट, उसको आप परचेस कर सकते हो। वहाँ से टॉपिक वाइज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप क्वेश्चन करके वो आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। फिर रीजनिंग तो सबका अच्छा ही होता है, वो अच्छा होता है। तो बाकी मेरा इंग्लिश वीक था, तो इसलिए मैंने बाकी तीन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया। इंग्लिश में मैं बस रीडिंग करता था, और जो वोकैब मुझे नहीं आता था तो वो नोट डाउन करके मैं पढ़ता था। और ऐसा भी नहीं कि आपको सब वोकैब लिखना है, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और वो चीज ही एग्जाम में आते हैं, तो उन एक्टिव होके आपको पढ़ना है।
बस ऐसा है, और प्री मेंस साथ में लेके चलना है आपको, ऐसा नहीं कि प्री क्लियर करने के बाद आपको मेंस करना है। मैं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं जब मेरे मार्क्स मॉक में 50 के आसपास आने लगे प्री में, तो मैंने प्री का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना छोड़ दिया। सिर्फ दिन में एक प्री का मॉक देता था और बाकी मेरा सब समय मेंस में जाता था। तो आपको भी यही करना है अगर जल्दी से जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो। मतलब आप बेसिकली प्री और मेंस के लिए कुछ अलग आपका स्ट्रेटेजी था, या फिर ऐसा ही पूरा कंटिन्यू स्ट्रेटेजी आपका था पहले से कि हाँ मुझे प्री और मेंस दोनों लेकर चलना है, और ऐसा कुछ था? मतलब प्री और मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी था आपका? एक्स्ट्रा नहीं था, प्री और मेंस मैंने साथ ही लेके चला था। पहले तो आपको बेसिक कंप्लीट करना है, वो तो प्री मेंस कुछ नहीं है, वो आप करना है तो करना है। तो वहीं से आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन ऐसे, ऐसा नहीं कि आप सीखेंगे तो एक दिन में हाई लेवल आपको सॉल्व होने लग जाएंगे। तो पहले आपको इजी लेवल से करना है, फिर क्लर्क लेवल, फिर पीओ मेंस, पीओ लेवल, ऐसा आपको लेके जाना है। तो फिर से बेसिक कंप्लीट करो, फिर मेंस के क्वेश्चन ज्यादा टाइम दो, तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपको। अच्छा, आपका, आपका जो करंट अफेयर था जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जी आप जी, कौन सा मतलब कौन सा सोर्स यूज करते थे जनरल अवेयरनेस के लिए? मैंने दो सोर्सेस यूज किए थे, एक अफेयर्स क्लाउड का। तो एफएस क्लाउड में भी कुछ आपको सब नहीं पढ़ना है, वहाँ भी कुछ अननेसेसरी बहुत होते हैं। तो आपको पीडीएफ डेली वाइज पीडीएफ को ओपन करके फिर वहाँ पीडीएफ में ही आपको मार्क करके रखना है कौन सा चीज आपको पढ़ना है, तो उसी तरह पढ़ना है। और सेकंड, आपको मंथ एंड में एक ओली बोर्ड का एक बोल्ट आता है करेंट अफेयर्स का। तो आप जो एफएस क्लाउड में कवर नहीं होते वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। इन दो सोर्सेस सफिशियंट रहेगा करेंट अफेयर के लिए। ओके ओके, तो आपका जो इंग्लिश वीक था तो आपका इंग्लिश में स्कोर क्या रहा, मतलब मॉक में कैसा स्कोर आता था आपका इंग्लिश में? इंग्लिश में पहले तो बहुत ही बुरा मार्क आता था, 8-9, कभी कभी तो 4-5 तक ही चला जाता था। फिर और जब से मैंने ग्रामर सीखना शुरू किया तो कई कई बार ऐसा हुआ कि कुछ ग्रामर तो ऐसे ऐसे ज्यादा गलत होने लगा। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने ग्रामर को स्किप किया, तो फिर रीडिंग पे फोकस किया। और रीडिंग पे फोकस प्लीज प्री में 17-18 मार्क्स आ जाते थे प्री में, और मतलब एवरेज पे था। मतलब आप बोल रहे हैं कि आपका ग्रामर मतलब अच्छा नहीं रहा, इसलिए आप ग्रामर को स्किप करके सब रीडिंग और पे ऊपर ध्यान दिए, और उसके बाद आपका जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है वो बढ़ गया, इससे आपको 15-16-17-18 ऐसा आराम से आता था। ठीक है, हाँ ठीक है, आराम से आता था। हाँ, ये अच्छा है। क्योंकि आप देखिए बैंक एग्जाम में आप इंग्लिश में 70-80% कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो आपको जल्दी से पढ़ के वो समझना है। हाँ, ना कि ग्रामर बेस्ड कुछ होते हैं, एरो डिटेक्शन ऐसा कुछ, तो वो आप स्किप भी कर दोगे तो तब भी आप 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप रीडिंग के। मतलब ये बेसिकली इन लोगों के लिए है जो एवरेज है इंग्लिश में या फिर वीक है, तो उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा है वो तो यार सब कुछ करेंगे, ठीक है, वो तो कर लेंगे। सही है एक्चुअली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जब मतलब हमारे कॉम्पिटिटिव लाइफ में, मैंने पर्सनली देखा है मेरे दोस्त को और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जब कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो प्री हो या फिर मेंस हो, ठीक है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल ना वो मतलब सडनली गिरता है और डिप्रेशन में जाते हैं। दो दिन तक पढ़ाई नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मतलब सोते रहते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं आते हैं, मतलब तो आप उस टाइम पे, मतलब आपका फेलियर तो आप भी देखे हैं, आपका फेलियर टाइम पे आप क्या करते थे, मतलब अपने आपको कैसे मोटिवेट करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे आप? देखिए, जो मोटिवेशन है वो आप तो पहले खुद से ही लाना होगा, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको काम नहीं करेगा। तो मेरे पास एक गोल था, मोटिव था कि मुझे जॉब क्यों लेनी है। मैंने पहले ही बताया कि मैंने जॉब छोड़ के मैं घर के आया, तो मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था, मुझे बैंक में जॉब लेना है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि एग्जाम फेल हुआ है, तो कभी कभी जो लोगों को 2-5 मार्क्स ऐसे वो रह जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग लूजर है, तो इसका मतलब ये है कि वो गोल के बहुत नजदीक है। हाँ। और एक्स्ट्रा पुश देने की जरूरत है ताकि वो निकल सके। तो
तो डीमोटिवेट नहीं होना है। बाकी मैंने एक मैं एक्सपीरियंस आपको एक बताना चाहता हूँ। मैं जब मैंने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, फिर जितने भी एग्जाम दिया था, तो जब मेरे अटेम्प्ट कम होते हैं एग्जाम में और एग्जाम में और एग्जाम प्री अगर नहीं निकलता है, तो मैं डीमोटिवेट नहीं होता था। मैं देखता था कि कहाँ गलती रह गई है और उसको मैं नेक्स्ट डे से सुधारने की कोशिश करता था। तो यही आपको फॉलो करना है। अगर एग्जाम नहीं निकला तो आप एनालाइज कीजिए कि मैं कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, उससे आपको फायदा मिलेगा। हाँ, मतलब बेसिकली आप एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंस को ना, मतलब एक गोल सेट करना चाहिए, ठीक है, जो कि जैसे हम हमारा सपना एक होता है ना, जो सपना हमको सोने नहीं देता है, मतलब हर वक्त मतलब हमको मोटिवेट रखता है, एक सपना होता है, गोल होता है। सो हमारे एक्सपीरियंस को एक गोल सेट करना चाहिए। और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं ऐसे, उनके पास दो चॉइस है, यार हम तो अभी प्री अभी तो लग रहे हैं कॉम्पिटेटिव के लिए, अगर नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस संभाल लेंगे, अगर नहीं हुआ तो पापा के पास तो पैसा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, कोई क्या टेंशन है, अगर नहीं हुआ तो खेती कर लेंगे, पापा तो खेती कर रहे हैं। मतलब उनके पास दो चॉइस होता है। पर मुझे लगता है पर्सनली कि ये जो फील्ड है ना, अगर आपके पास दो चॉइस हो ना, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और आप मोटिवेट डीमोटिवेट जरूर होंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही गोल है और एक ही ऑप्शन है कि मुझे यही करना है, तो फिर आपको डीमोटिवेट होने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब आपका गोल ही आपको सुनी नहीं देगा ना, आपको डीमोटिवेट होने ही नहीं देगा, ठीक है जी। सो दीप, मिस्टर दीप, आपका जो स्ट्रैटेजी है और आपका जो अपने आपको मोटिवेट करने का जो स्टाइल है, ये बहुत ही मुझे पसंद आया। आई होप सारे हमारे एस्पिरेंट्स को पसंद आएगा और वो भी अपने डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आपको एक बात मुझे पहले पूछना चाहता था, मैं अभी पूछ रहा हूँ। जब आप पहली बार मतलब रिजल्ट दिखे, ठीक है, आपका जब स्क्रीन में आया, एक कंग्रेचुलेशन आता है, एक थैंक यू आता है, ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो थैंक यू देख देख के पूरा मतलब बोर हो जाते हैं, ठीक है सब। वो जो कंग्रेचुलेशन डे वाला दिन, ठीक है, आपका कैसा रिएक्शन था और आपका फैमिली का कैसा रिएक्शन था? अच्छा, जब स्क्रीन पे कंग्रेचुलेशन वो मैसेज आया, तो एक दो मिनट तक तो मैंने पे ही देखते रहा, तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मैंने क्लियर कर दी है। और वो जो एक्सपीरियंस है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा वो खुशी कितनी कितनी होती है। yes, yes. तो हाँ, तो मैंने जब देखा, तो मैंने मतलब घर में माँ ही था घर में, तो माँ को बताया, सब खुश हुए। तो यही विश करता हूँ कि जितने भी एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी से जल्द वो दिन सबको दिखने को मिले। ओके ओके, सो बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस को मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी इतना मेहनत कीजिए ताकि ये दिन आपको बहुत जल्दी देखने को मिले, और आप भी दीप ज्योति की तरह मेरे साथ जुड़े और आपका भी एक इंटरव्यू सेशन हो, ठीक है। सो फाइनली ये इंटरव्यू ऐसे हेड करेंगे। सो फाइनली आप दीप ज्योति, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा लास्ट में, थोड़ा ब्रीफली आप बता दीजिए, थोड़ा सा एक मैसेज आपको। जी, यही कहना चाहता हूँ कि ठीक से मेहनत कीजिए। मैं एटलीस्ट, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 12 टू 13 आवर्स आपको पढ़ाई में देना ही देना है। ओके, मैंने भी दिया था। और जब आपने आपको 100% दोगे, तो रिजल्ट जरूर आना ही आना है। यस यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, बिकॉज हार्डवर्क ऑलवेज पेस, हार्डवर्क ऑलवेज पेस। यस 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 यस, तो शायद हो सकता है एक साल में आए, या दो साल में आए, या तीन साल में भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। और हाँ, और करेंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये गेम चेंजर होता है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एग्जाम में, शायद SBI जूनियर एसोसिएट में अगर मेरा करेंट अफेयर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो शायद मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पाता। तो जितने भी लोग हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप करेंट अफेयर को ज़्यादा टाइम दें, एग्जाम हो या ना हो, 2 से 3 घंटा आप जरूर दें। और कोई भी अगर कुछ प्रिपरेशन रिलेटेड और भी कुछ जानना है, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू दीप, सच्चे मतलब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हमारा एक्सपीरियंस जो है, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विथ अस, एंड एट लास्ट आई विश दैट यू हैव ए ग्रेट फ्यूचर अहेड, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू आवर SBI फैमिली। सो
सो दीप एंड करते हैं सेशन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।